कार्बोहाइड्रेट्स बिफोर, देखिए मैंने मैंने चीज हर चीज मेंशन की है, आई हैव मेंशन ईच एंड एवरीथिंग विच यू, सम थिंग्स आर ओनली फॉर द कॉन्सेप्ट्स, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो इन्फॉर्मेशन है द बेसिक ऑफ द फूड केमिस्ट्री, ये आप लोगों ने सारों ने पढ़ी हुई है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ या आपको याद दहानी करवा रहा हूँ कि भाई ये वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं या ये चीजें हैं। आप देखें, एक होता है अल्कोहल ग्रुप, अगर आर एक साइड पे कार्बन की चेन है एंड अनदर साइड जो फंक्शनल ग्रुप है OHO, तो हम इसको जैसे एथेनॉल वगैरह हो गया, तो इसको हम कहते हैं दिस इज द अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो ये वाला जो पहले वाला है दिस इज द अल्कोहल ग्रुप, और देखें फिर है एल्डिहाइड ग्रुप। अगर मैं यहां पे देखें OH है, मैं OH की जगह, ठीक है, एक साइड पे मैं उसका डबल बॉन्ड कर दूं, इसका यहां पे देखें OH के साथ सिंगल बॉन्ड है R का, यहां पे मैं अगर C के साथ O लगा के H लगा दूं तो हम इसको कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप में एक साइड पे R होता है और एक साइड पे H होता है। R इज द एनी नंबर ऑफ द कार्बन चेन, ठीक है, द कार्बन चेन हैविंग द एनी नंबर इज कॉल्ड द R चेन। उसके बाद है एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में क्या फर्क होता है, स्नैपशॉट की फॉर्म में बता दूं तो एक है अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप का मैंने बता दिया, मैं डिटेल में नहीं जाता। एल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बन का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ और एक साइड पे आर ग्रुप अटैच होता है और दूसरी साइड पे एच ग्रुप अटैच होता है, अगर हम दोनों साइड पे आर ग्रुप अटैच कर दें तो दिस इज कॉल्ड द कीटोन ग्रुप, ठीक है। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में एक साइड पे आर है, एक साइड पे आप OH लगा दें, ठीक है, और दरमियान में कार्बन का डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अमीनो एसिड ग्रुप, जब आप R के साथ NH2 लगा दें तो दिस इज द अमीनो ग्रुप। उसके अलावा एस्टर का ग्रुप होता है, ठीक है, एस्टर में R के बाद C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, फिर सिंगल बॉन्ड O, और फिर उसके साथ O के साथ जो है वो R अटैच होता है। इसके अलावा फास्फोरस ग्रुप, तो ये देखें दरमियान में फास्फोरस जो है वो अटैच है, और फिर उसके अलावा मिथाइल ग्रुप है जैसे R के साथ CH3, और सल्फाइड ग्रुप जो है R के साथ SH अटैच है। तो दीज आर द सम काइंड ऑफ द कॉमन फंक्शनल ग्रुप जिनके साथ आपका वास्ता पड़ेगा, तो इस टेबल को आपको वैसे ही अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये देखें यहां से मैं पूछूं सम फूड मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट इन द फूड, बिल्कुल वाटर है। अब ये देखिए सिंपल हम लिखने का तरीका H2O, तो भाई HOH लिखने तब भी ये यही है, ठीक है। अब ये देखें नीचे सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये कुछ कॉमन मॉलिक्यूल्स है, इनकी डिटेल मैंने अगले पेज पे दे दी, आप सारी की सारी पढ़ सकते हैं। ये देखें वाटर है, एसिटिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड। तो एक तो आपको केमिस्ट्री के साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी बेसिक ऑफ फूड साइंसेज पढ़ने के लिए, ठीक है। एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये आपको पता है, ठीक है। और जो विनेगर होता है, विनेगर ठीक है, सिंथेटिक विनेगर भी होता है, तो जिसको साइडर, वो क्या होता है, उसमें मेन एसिटिक एसिड होता है। अब देखिए अमीनो ग्रुप कौन सा होता है, अमीनो ग्रुप में जो NH2 है वो अटैच होती है, डिराइव फ्रॉम द अमोनिया NH3, अमाइन्स आर बेसिक, मीन दे गेन द प्रोटॉन्स, ठीक है, बेसिक का। और उसका आपको पता है ना एसिड कौन सा होता है, बेसिड कौन सा होता है, तो ये नीचे जो है ये मिथाइल अमीन है, एक साइड पे मिथाइल का ग्रुप है और उसके साथ हो NH2 हमने अटैच कर दिया, तो ये मिथाइल अमीन हो गई, ठीक है। उसके अलावा एलानाइन, ये एक अमीनो एसिड है। अल्कोहल ग्रुप, यही चीज मैं, अब देखें अल्कोहल में आपने नाम सुना होगा के आर के साथ एक जो ग्रुप है वो लाजमी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, ठीक है, तो दिस इज द अल्कोहल ग्रुप। तो जैसे मिथाइल अल्कोहल के आपने नाम सुना होगा, मिथाइल मेथनॉल आपने नाम सुना होगा, मेथनॉल, ठीक है। और उसके अलावा एथेनॉल होता है, एथेनॉल में जब दो कार्बन के मॉलिक्यूल्स आ जाए तो फिर वो एथेनॉल बन जाता है, या हम इसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा अब देखें एथेनॉल कैसे बन सकता है, जो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस है, स्टार्च का अगर हाइड्रोलिसिस हो तो उससे ग्लूकोज भी बनता है
और जस्ट आज की फर्मेंटेशन की बेस पे एथेनॉल भी बन जाता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो व्हाट आर द एल्डिहाइड ग्रुप्स? एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? आप देखें CHO, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बांड होता है, माइंड इट। ठीक है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गई, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो सबसे, एल्डिहाइड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लिपिड ऑक्सीडेशन एंड जनरली हैव अ वेरी लो सेंसरी थ्रेशोल्ड। ठीक है, अब ये देखें, पंपकिन के अंदर एस्टल्डिहाइड की होती है। ठीक है, और जो फ्रेश कट ग्रास, अगर आपने कोई वो पड़ा हुआ हो, घास कटा हुआ, तो आपको वहां से कोई स्मेल आ रही होती है, उसमें भी जो आ रही होती है वो भी इस एल्डिहाइड की वजह से ही स्मेल आ रही होती है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का जो आप कह सकते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है और इसकी ऑर्डर वगैरह जल्दी आ जाती है एल्डिहाइड। उसके बाद है मॉलिक्यूल, है कोई भी मॉलिक्यूल, क्या उसके अंदर ये वाली चीज लाजमी होगी, दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ठीक है, तो एक साइड पे तो आर होगी होगी। देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है, आपने, आपको वैलेंसी का आइडिया है, कार्बन की चार वैलेंसी, यानी कार्बन की वैलेंसी चार है, इसके साथ चार मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। ठीक है, देखें कार्बन का एक मॉलिक्यूल था, उसके साथ डबल बॉन्डिंग हुई हुई थी ऑक्सीजन की, दो वैलेंसियां जस्टिफाई हो गई, एक साइड पे आर लगा दिया आपने, तीसरी वैलेंसी जस्टिफाई हो गई और एक साइड पे आपने एच लगा दिया, चौथी वैलेंसी होगी। अब जिसकी वो सारे की सारी साइड्स वो है फुल्ली सेचुरेटेड है, अब इसके साथ कोई और मॉलिक्यूल अटैच नहीं हो सकता, अनटिल अनलेस किसी एक को आप रिमूव करें और फिर नया उसके साथ कोई बांड बने, तो कोई चीज और हो उसके साथ वो अटैच हो सकती है। जो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो, उसका मैंने आपको बता दिया, इस एक साइड पे तो आर लाजमी होगा। अब ये देखें, मैं वापस चला जाता हूँ उस स्लाइड पे, जो आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, भाई ये देखें, इसमें देखें अल्डिहाइड ग्रुप में एक साइड पे आर है या नहीं, यहाँ पे डबल बांड ऑक्सीजन का है और एक साइड पे एच है। ठीक है, तो भाई इनको आप देख लीजिएगा, इसमें मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं जाया करता, आगे चलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको कुछ चीजें और हैं, तो आयनिक बांड वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए जाते बल्कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं, दीज आर द दीज लीड टू द, इनकी वजह से हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर हल करते हैं तो सोडियम का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के करीब हो जाता है और जो क्लोराइड का मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन के करीब हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड की वजह से और स्लाइटली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम वाटर के मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, जिनके मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाता है और इसकी वजह से ये चीजों को अंदर, अपने अंदर सोलबलाइज करने के, इसके अंदर वाटर के अंदर जो अल्लाह ने नेचर रखी है ना, ये इसी वजह से है कि इसको अल्लाह ताला की जात ने पोलर बनाया है। तो भाई अब आप याद रखें कि एक होता है आयनिक बाइंड बांड, एक होता है ये मैंने लिखा है कोवलेंट, ये लिखा हुआ था मैंने, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग बांड्स हैं, लेकिन सी और सी आपस में और सी और सी, और ये देखिए आयनिक बांड इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे आपको मैंने बताया वाटर के अंदर जब हम वो करते हैं सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो उनके ऑक्सीजन जो आप बनाता है वो आगे, ठीक है, उसके साथ जो आपको पता है वाटर का आपस में, एक वाटर के मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी लिंक होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का जो दूसरे मॉलिक्यूल के, वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो लिंक होता है वो वाला, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाती है। मैंने शायद यहाँ पे आगे कहीं पे मेंशन किया होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, शायद नहीं कि मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा भी दूंगा, आप गूगल भी कर लीजिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यह होता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल, आपको मैंने बताया वाटर के एक मॉलिक्यूल के ऊपर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी हाइड्रोजन के ऊपर भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। अब देखें जो वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल होगा ना, जो नया मॉलिक्यूल होगा, उसकी ओरिएंटेशन इस किस्म की होगी कि एक हाइड्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन के साथ और एक और हाइड्रोजन और दूसरी एक ऑक्सीजन के दरमियान एक नया बांड बन जाता है, हम उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये जो स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इनकी वजह से बनता है। तो इसकी वजह, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर जो है वो लिक्विड की फॉर्म है, वरना जो वाटर होता ये किस फॉर्म में होता, गैस की फॉर्म में होता। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इवन तो इसको हम वीक बॉन्ड कह रहे हैं, लेकिन ये वीक बॉन्ड कोलेक्टिवली जब बनते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के अंदर करोड़ों मालिक्यूल होते हैं पानी के, अब देखिए वो आपस में जो ये बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, अगर ये अल्लाह ने इसको ये खूबी ना दी होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, तो ये वाटर अपनी नेचर की बेस पे, अगर आप पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजिशन देखें, सल्फर डाइऑक्साइड को देखें, वो गैस है SO2 है, ठीक है, तो ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की गैस है ना बेसिकली ये, लेकिन क्योंकि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ड्यू टू दैट रीजन जो वाटर जो है ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड की फॉर्म में। तो तीन किस्म की आपको मैं आपके साथ मैंने वो, देयर आर थ्री अदर इंपॉर्टेंट बॉन्ड इन द फूड्स। एक होता है एस्टर बॉन्ड, ये एस्टर बॉन्ड जो है लिपिड के मॉलिक्यूल जो फैटी एसिड्स हैं, दे आर लिंक टुगेदर बाय अ बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज द एस्टर बॉन्ड। उसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं वो जो आपस में जिस बॉन्ड के थ्रू लिंक है, दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। उसके अलावा एक और बॉन्ड होता है, that bond exists between the in the carbohydrates, in the carbohydrates different monosaccharides jaise glucose ho gaya, they are linked together to form a macromolecule which is called the, and the bonding by which the different sugar molecules are linked together are called the glycosidic bond। to hamare aapko mein teen badi cheeze padha rahi hai, ek padha rahe hain fat, fat ke andar kaun si bonding ho gayi, ester ki ho gayi, phir aap pad rahe hain proteins, ठीक है, और पाकिस्तान में आपको पता है प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी बहुत बड़ा इशू है, तो उनके अंदर जो बॉन्डिंग है दैट इज द पेप्टाइड बॉन्डिंग। फिर है शुगर्स, ठीक है, ये जो आपने डाइट्री फाइबर को बहुत ज्यादा सुना होगा, तो ये डाइट्री फाइबर या जो स्टार्च है या जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है दैट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। तो ये आपके साथ मैंने इस पेज के ऊपर देखे, तो मैंने छह बॉन्डिंग शेयर की, कोवलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर एस्टर है, पेप्टाइड है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये देखें एस्टर बॉन्डिंग इन फूड्स, फैटी एसिड आर अटैच टू द ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल्स थ्रू व्हाट इज कॉल्ड एन एस्टर लिंकेज। आप टेंशन ना लें, मैंने आपको फैट का पूरा चैप्टर बनाना है, उसमें ये चीजें दोबारा डिस्कस होंगी, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। जो लिपिड्स हैं, जो फैट्स हैं, उनमें एक साइड पे ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल होता है और एक साइड पे फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। तो हम इनको, ये आपस में जो लिंक है ये देखें, ये आपस में जो लिंक है, ये आपस में ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड आपस में जो जिस बॉन्डिंग पे अटैच होते हैं, दिस इज कॉल्ड द, दिस इज एस्टर लिंकेज, ठीक है, ये एस्टर लिंकेज है, ये एस्टर लिंकेज है, ठीक है। फैटी एसिड आर स्टोर्ड एज एन एनर्जी रिजर्व्स। उसके बाद ग्लाइसरॉल इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली थ्री कार्बन, एक साइड पे ग्लाइसरॉल होगा, ठीक है, और दूसरी साइड पे फैटी एसिड होगा। अगर एक ग्लाइसरॉल हो तो हम उसको कहते हैं मोनोग्लाइसरॉल, ठीक है, और अगर उसके साथ दो अटैच हो, ठीक है, एक फैट, ठीक है, तो फिर हम उसको कहते हैं डाइग्लाइसरॉल और फिर ट्राइग्लाइसरॉल। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे शायद दी होगी, देखें अब आप यहाँ पे क्लियर। अब देखें ये है ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल, ग्लाइसरॉल के मॉलिक्यूल का इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इस ग्लाइसरॉल में अगर एक फैटी एसिड यहाँ पे अटैच हो, यहाँ पे देखें, इस मैंने सिर्फ और सिर्फ इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है और आगे ये वाला ग्रुप लगा दिया है, तो तब क्या हो गया, हम इसको कहेंगे, ये देखें, अब ये देखें ओ सी, और ये बॉन्ड पूरा नया बना है उसका फैटी एसिड का, तो ये बन गया है, ये बन गया है फैटी एसिड, और यहाँ पे जो लिंकेज है दिस इज द एस्टर लिंकेज, और हम इसे कहते हैं मोनोग्लाइसरॉल कहते हैं। और यहाँ पे अगर मैं दूसरा फैटी एसिड यहाँ पे अटैच कर दूं तो ये मोनो से क्या बन जाएगा, डाइग्लाइसरॉल बन जाएगा, ठीक है, और अगर मैं तीसरा फैटी एसिड यहाँ पे जाके अटैच कर दूं, दिस इज कॉल्ड द ट्राइग्लाइसरॉल, ठीक है, इतने ही आपके लिए काफी है, सिर्फ नो के लिए। अगला जो नेक्स्ट है प्रोटीन का बताने लगा हूं कि प्रोटीन में आप देखें बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, उनकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, और मुख्तलिफ किस्म के जो अमीनो एसिड आपस में लिंक हुए होते हैं जिस बॉन्ड की बेस पे, अमीनो एसिड और अमीनो एसिड आपस में जिस लिंकेज से अटैच होता है उसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ये देखें ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है, ये एक अमीनो एसिड है, ये इस एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखें कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक साइड पे किसी भी अमीनो एसिड का ना दो दो एक साइड पे अमीनो ग्रुप अटैच होता है और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, तो दो अमीनो एसिड का एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरी अमीनो आपस में यहां पे लिंक हो जाती है, ठीक है। ये देखें इसका अमोनिया अमीनो ग्रुप और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये आपस में जिस लिंकेज से अटैच होते हैं दिस इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्डिंग।
और यहां से वाटर बार के फॉर्म में निकल जाएगा और यहां पे बॉन्ड को बन जाएगी। ये देखें फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, ये आपको मैंने यहां पे द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड बनती कैसे है ये सारे का सारा आपको मैंने बताया कि एक साइड का अमीनो एसिड ग्रुप और दूसरे साइड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरी साइड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये आपस में अटैच होते हैं और दरमियान में निकलता क्या, ये देखें इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, NCCN ये वाली बॉन्डिंग बन जाती है और यहां से वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके अलावा है लिंकेज, आपको बता रहा हूँ शुगर्स की, शुगर के अंदर कौन सी लिंकेज होती है, एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन अ शुगर कनेक्ट्स शुगर यूनिट इनटू द, जो मुख्तलिफ किस्म के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे मोनोसैकेराइड की बात की जाए तो मोनोसैकेराइड में आज आपने वैसे पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट ही पढ़ने आगे डिटेल में, मोनोसैकेराइड की बात की जाए तो ये ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, गैलेक्टोज हो गया, ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड है। उसके अलावा डाइसैकेराइड में जैसे लैक्टोज हो गया, सक्रोज हो गया, ठीक है, और माल्टोज हो गया, ये जो है दीज आर कॉल्ड द डाइसैकेराइड। उसके अलावा थ्री टू टेन जो कार्बन चेन वाले जो मॉलिक्यूल कराए जाते हैं उनको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, और मोर देन 10 हो कार्बन किसी का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में तो हम उसको पॉलीसैकेराइड या स्टार्च या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स वो कहते हैं। ठीक है, ये देखें स्ट्रक्चर ऑफ द शुगर, ठीक है, ये एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिल जाए तो सक्रोज बन जाती है, ये देखो ये मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड और फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। अच्छा, एक बंदा माइक ऑन करेगा, मुझे बताएं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। आइसोमर होते हैं, आइसोमर हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, जैसा कि लड़की ने बताया सेम केमिकल फार्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, जब इनकी अरेंजमेंट चेंज होती है। अब अल्लाह ताला की जात देखें कि अल्लाह ताला की जात ने इस दुनिया को बनाया है और देखें सिर्फ और सिर्फ सारी की सारा केमिकल फार्मूला वही है, अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से उनकी जो स्वीटनेस है उनको जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, उनकी देखें जो स्वीटनेस है वो चेंज हो जाती है। और देखें अब यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिले तो सक्रोज बनती है, ये जो टेबल शुगर आप जो रोजाना खाते हैं, और ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों आपस में मिले तो लैक्टोज मिलती है बनती है, सॉरी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिले, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिले तो लैक्टोज, ये जो आप मिल्क शुगर कहते हैं ये बनती है। ग्लैक्टोज सिर्फ और सिर्फ आपको दुनिया में मिल्क के अंदर ही मिलेगी 99%, उसके अलावा 1% किसी और जगहों पे मौजूद हो ग्लैक्टोज, वरना मेनली जो ग्लैक्टोज है वो फ्री फॉर्म में नहीं है, मोस्टली इट इज बाइंडेड विद द ग्लूकोज और लैक्टोज की फॉर्म में ही आपको दुनिया में ग्लैक्टोज मिलेगी। उसके अलावा ये जो माल्टोज है, माल्टोज ये देखें दोनों ग्लूकोज के मालिकूल है, अब देखें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला सेम है, वहां पे स्ट्रक्चर फार्मूला देखें, माल्टोज इतनी मीठी कोई नहीं है, सक्रोज बहुत मीठी है, अल्लाह ने उसको बनाया हुआ, उस वहां पे फ्रक्टोज है, ठीक है, ये जो आपके मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं वहां पे भी उनके अंदर भी ग्लूकोज के साथ आमतौर पर फ्रक्टोज की मिकदार मौजूद होती है, यानी वो माल्टोज जो है उसके अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज होते हैं। तो आप ये तीनों के तीनों डाइसैकेराइड्स हैं। अब एक चीज आप याद रखें कि हर डाइसैकेराइड में एक मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज का होगा, और अगर उसके साथ फ्रक्टोज लगा दी जाए ग्लूकोज के साथ सक्रोज बन जाती है, अगर उसके साथ गैलेक्टोज लगा दी जाए तो लैक्टोज बन जाती है, और अगर उसके साथ दूसरी ग्लूकोज लगा दी जाए तो उसको माल्टोज कहते हैं। ये जो स्टार्च हैं ये भी माल्टोज की बने होते हैं, या स्टार्च जो है वो भी ज्यादातर ग्लूकोज के ही बने होते हैं। पॉलीमेरिक लिंकेज, ठीक है, अब ये देखें कुछ मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये अल्फा 1,4 लिंकेज, ठीक है, आगे आप इसको एक बार बताऊंगा आपको मैं कि आप केमिस्ट्री को जितनी मोहब्बत से पढ़ेंगे ये आपको समझ आती जाएगी, और अगर इसको आप समझेंगे ना कि ये मुश्किल है और वो है तो फिर आपको ये कभी भी समझ नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये अगर फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज है, अब ये देखिए मैंने कहा है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। मैं आगे जब आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा तब भी आपको मैं नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है, 1, ठीक है, और यहाँ पे अब ये कार्बन नंबर 1 है तो यहाँ से गिनें 1, 2, 3 और 4, ठीक है, और ये कार्बन नंबर 1 है, इसकी कार्बन नंबर 1
इसके कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है, और क्योंकि ये नीचे से अटैच है तो हम इसको कहते हैं अल्फा 1-4 लिंकेज। अगर नीचे से अटैच है, देखें दरम्यान में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और ये नीचे से बॉन्डिंग है, तो हम इसको कहते हैं अल्फा 1-4 लिंकेज। हम इसको इसकी बॉन्डिंग है अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्लियर हो गया सारों को? अल्फा 1-4 यानी एक साइड पे कार्बन नंबर 1-1 पे जो कार्बन अटैच है वो अटैच है दूसरी पोजीशन के साथ हो बाय द ओ जो कार्बन नंबर 4 है। ये बता रहा है पोजीशनिंग बता रहा है, जो 4 है अल्फा 1-4, अल्फा बता रहा है कि नीचे से अटैच है और 1-4 बता रहा है कि कार्बन नंबर 1 एक मॉलिक्यूल की और दूसरे की 4 जो है वो एक दूसरे के साथ हो अटैच है। बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये भी देखें 1 है एक साइड पे, ठीक है, और दूसरी साइड पे गिन लें 1, 2, 3 और 4। अब यहां पे देखें इसकी ऊपर से आ गई और इसके निचले के साथ अटैच है, तो ये होगी 1, इसका कार्बन नंबर 1 इसके कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है, लेकिन जो बॉन्डिंग है एक ऊपर है इस साइड पे हो तो ये अल्फा बॉन्डिंग है, ये जो निचली साइड पे जो ऑक्सीजन थी उसके साथ जाके अटैच हुआ है, तो हम इसको कहते हैं कि ये वाली अप्पर वाली साइड इसकी निचली वाली साइड के साथ जाके अटैच है, तो इसको हम कहते हैं बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1-4, ठीक है। तो ये दो किस्म की बॉन्डिंग हो सकती है, आप पढ़ेंगे ये बेसिक का फूड साइंस है, तो उसमें आप अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सुनेंगे, आप बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सुनेंगे। तो एनीवे आगे चलते हैं, ये है अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब आपको मुझे इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये देखिए मैंने आज का तकरीबन ये पूरा लेक्चर आज का भी आपके साथ मैंने ये यहां से आपका प्रॉपर लेक्चर शुरू हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड पढ़ते हैं तो देखें क्लासिफिकेशन फॉर द मेन कैटेगरी ऑफ द फूड कार्बोहाइड्रेट्स आर बेस्ड ऑन देयर डिग्री ऑफ द पॉलीमराइजेशन, ठीक है। शुगर की बेस पे मोनोसैकेराइड होते हैं, अब आप सारों को पता चल गया मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, आपको डाइसैकेराइड का भी पता चल गया और आपको पोलियोल जो ठीक है जैसे सॉर्बिटोल है मैनिटोल है इनका भी पता चला। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज गैलेक्टोज और फ्रक्टोज हो गए, डाइसैकेराइड में सक्रोज हो गया लैक्टोज हो गया और माल्टोज वगैरह, और ओलिगोसैकेराइड में माल्टो ओलिगोसैकेराइड्स हैं जैसे माल्टोडेक्सट्रिन्स हैं और अदर ओलिगोसैकेराइड्स हैं जैसे में रेफिनोज है स्टैचियोज है, ठीक है। ये सारे के सारे अगर आप पढ़ेंगे ना, आप कोई डाइटरी फाइबर बायस लेते हैं तो आपको वहां पे ये मौजूद होंगे, जब बच्चों के इन्फेंट फार्मूलाज है उनके अंदर भी ये कुछ ना कुछ उन्होंने डाले होते हैं। फिर है पॉलीसैकेराइड, तीन क्लासेस है मेजर कार्बोहाइड्रेट्स की, वन आर द शुगर्स, सेकंड इज द ओलिगोसैकेराइड्स एंड थर्ड इज द पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो ये तीन किस्म के हो गए, शुगर्स हो गई, ओलिगोसैकेराइड्स हो गई और पॉलीसैकेराइड्स हो गए। तो कार्बोहाइड्रेट्स ए लार्ज क्लास ऑफ द नेचुरली अकरिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसको हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करें, ए लार्ज क्लास ऑफ द नेचुरली अकरिंग पॉलीहाइड्रोक्सी पॉली बहुत सारे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, कोने पे होगा तो एल्डिहाइड होगा दरमियान में आ जाएगा तो कीटोन हो जाएगा। मोनोसैकेराइड्स ये भी आपको मैंने पूरे का पूरा, मोनोसैकेराइड आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग 3 to 7 कार्बन एटम्स, ठीक है। इसमें अल्डोज शुगर कौन सी है, कंटेनिंग एन एल्डिहाइड ग्रुप, अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको हम अल्डोज शुगर कह देंगे, ठीक है। मैंने पहले बताया डेफिनेशन में भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, लार्ज क्लास ऑफ द नेचुरली अकरिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अल्डोज शुगर कौन सी होगी, अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो हम उसको अल्डोज शुगर कह देंगे। द सी एच ओ ग्रुप इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द सी चेन, अल्डोज में हमेशा जो सी एच ओ ग्रुप है ये एंड पे होगा, और कीटोन जो कीटोज शुगर होती है, कीटोज शुगर में जो ये जो CHO की बजाय जो CHO ग्रुप है ये दरमियान में होगा, एक साइड भी R होगा दूसरी साइड भी R होगा। द कीटोन ग्रुप इज ऑन द सेकंड कार्बन ऑफ द चेन, ठीक है, देयर इज अ CH2OH ग्रुप एट द अंडर एंड ऑफ द चेन, देयर आर OH ग्रुप ऑन द ऑल C एटम इन द इन बिटवीन। तो ये आपको अल्डोज और कीटोज की मैं एग्जांपल देता हूं तो फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द शुगर यूनिट्स, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, मोनोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं और पॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है। ये आपको बताने लगा हूं मैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का। मोनोसैकेराइड आर कैटेगराइज्ड बाय द नंबर ऑफ द कार्बन टिपिकली 3 to 8 एंड वेदर एंड एल्डिहाइड आर द कीटोन ग्रुप। मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड आर द हेक्सोजेस, सबसे ज्यादा मोनोसैकेराइड जो मौजूद है वो 6 कार्बन वाली हेक्सोजेस है। मोस्ट मोनोसैकेराइड आर द हाल्टिहाइड्स दैट द अल्डोजेस, ज्यादातर अल्डोजेस है तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। जो अल्डोजेस में है
ये जो CHO ग्रुप है वो यहाँ पे कोने पे होता है भाई। इसको अगर मैं मूव करके यहाँ पे मैं इस C के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूं, ठीक है ये देखें, और एक OH लगा दूं और नीचे यहाँ पे ये लेके आ जाऊं कीटोन, ये वाला ग्रुप, तो हम इसको क्या कहते हैं, कीटोसिस, ठीक है। ये देखें, अब मैंने और एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश की है, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल्स हैं, डी ग्लूकोज एंड अल्डोहेक्सोज। देखिए अल्डोहेक्सोज इसका, देखें डी ग्लूकोज का नाम दिया उसने, ये कोई मुश्किल इतनी कोई नहीं है केमिस्ट्री इसकी। अल्डोहेक्सोज अल्डिहाइड की बेस पे, एक्सोज का मतलब है छह शुगर वाला, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 शुगर हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो कीटोन ये ग्रुप है, अल्डिहाइड का ग्रुप है, ये कोने पे आ गया, तो ये अल्डोसिस होगी। अगर कीटोसिस बनानी होती, ठीक है, तो ये C1H2OH यहाँ पे आ गया, ठीक है, और दरमियान में क्या आ गया, दूसरे साइड पे दरमियान में, ये दरमियान में आ गया ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो ये कीटोन ग्रुप हमेशा एक साइड पे भी आ रहा है और दूसरी साइड पे भी आ रहा है, तो दिस इज अ डी फ्रक्टोज एंड कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज, ठीक है। तो ये अल्डोज है, अब मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ये अल्डोज है, ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप कोने पे है, कीटोज है, ये दरमियान में आ गया, ये अल्डो टेट्रोज है, ठीक है, अल्डिहाइड वहां पे आ, और टोटल चार शुगर्स है, चार कार्बन है, और ये एक कीटो पेंटोज, टोटल देखिए पेंटोज बता रहा है कि यहाँ पे पांच कार्बन है, और कीटो बता रहा है कि ये जो है कीटोन जो है वो दरमियान में मौजूद है, इस साइड पे भी आ रहा है और इस साइड पे भी आ रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स शुगर कंटेन टू इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, एक है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी एंड द स्वीटनेस, दूसरा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग एबिलिटी एंड द मेलेट ब्राउनिंग, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं शुगर के अंदर, एक है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, इसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी। तो ग्लूकोज इज एन अल्टोज शुगर विद वन सी एटम एक्सटर्नल टू द सिक्स मेंबर रिंग, और फ्रक्टोज इज अ कीटोज। तो अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये तो पता चल गया आज की क्लास में कि वो क्या, अब ये देखें ये सारी की चीजें वही बातें जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, वही रिपीट ही रिपीट है, जो मैंने आपको वेरी अर्ली स्लाइड पे मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। मोनोसैकेराइड क्या है, द मोनोसैकेराइड्स कॉमनली फाउंड इन द फूड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द कार्बन दे कंटेन इन देयर बैकबोन स्ट्रक्चर्स। द मेजर फूड मोनोसैकेराइड्स कंटेन सिक्स कार्बन एटम्स, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन, हेक्सोज इसमें सिक्स कार्बन शुगर्स होंगे, जैसे ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और फ्रक्टोज है। ये आमतौर पर मोस्टली जो आप जो खा रहे होते हैं ना, ये एक्सोजिक होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गई, गैलेक्टोज हो गई और फ्रक्टोज हो गई। ये फिर देख लें, डी ग्लूकोज एंड अल्डोहेक्सोज, डी फ्रक्टोज एंड कीटोहेक्सोज। अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्डो का भी पता चल गया, अल्डो कौन सी है और कीटो कौन सी है। प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है, सी वन ऑफ द ग्लूकोज इज द कार्बोनाइल कार्बन, सी वन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल कार्बन कौन सा है, यहां पे ग्लूकोज की बात कर रही है, ग्लूकोज अल्डो होती है, ठीक है, सी वन ऑफ द ग्लूकोज इज द कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, यहां पे देखें इसको देख कार्बोनाइल हो गई। ग्लूकोज हैज द फोर काइरल सेंटर, आपने कायरलिटी भी कहीं पे पढ़ी होगी, ठीक है। कायरलिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी बाय विच ऑब्जेक्ट्स डिफर ओनली एज इमेज इन ए मिरर डिफर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस इट। मैं आप सिंपल वर्ड में कहता हूं, आप शीशे के सामने हो तो आपकी अपनी लेफ्ट साइड शीशे में राइट साइड पे नजर आ रही होती है और अपनी राइट साइड आपकी लेफ्ट साइड पे नजर आ जाती है, ठीक है, इसी को कायरलिटी कहा जाते हैं। द प्रॉपर्टी बाई विच ऑब्जेक्ट डिफर ओनली एज इमेज इन अ मिरर डिफर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस इट। सो कार्बन 2, 3, 4, 5 आर कायरल कार्बन्स, इनका आपको ये इधर नजर आएगा और ये इधर नजर आएगा, इसी को इस पेज को अगर आप उठा के ले जाएं उसके सामने मिरर के सामने, तो ये एच इस तरफ नजर आना शुरू हो जाएगा, ओ एच उस तरफ नजर आना शुरू हो जाएगा, दिस इज द कायरलिटी। द कार्बन एटम सी वन इज ऑल्सो द साइट ऑफ मैनी रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ग्लूकोज। तो ये वाला जो सी वन है ना, ये बहुत सारे मुख्तलिफ रिएक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व करता रहता है। दे हैव टू थी
एनटायमेरिक फॉर्म्स डी एंड एल, इसकी दो फॉर्म्स हैं ठीक है, एक है डी डी फ्रक्टोज और एक है एल फ्रक्टोज ठीक है। दे आर एल डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द हाइड्रोक्सल ग्रुप एट द कायरल कार्बन, कायरल कार्बन की जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है उसकी आगे पीछे होने की वजह से इसकी ये डी और हम इसको एल कह देते हैं। ये यहां पे देखे, मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट देने लगूंगा आपको, जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट। देखे मैंने आपको हर चीज अपनी तरफ से क्लियर की हुई है कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बेस के लिए ठीक है। अब यहां पे देखें, डी डी ग्लाइसल्डिहाइड ठीक है, ये आर है और ये एल है। आर में देखें जो एच है वो लेफ्ट साइड पे है, ओ एच जो है वो राइट साइड पे है। जो एल होगा उसमें जो ओ एच है वो लेफ्ट साइड पे आ गया, एच है वो दूसरी, तो दिस इज द कायरल सेंटर। ये समझ आ गई, यानी एच और एच दूसरी पोजीशन पे आ जाएंगे तो हम एक को आर और एक को लेफ्ट कह देते हैं ठीक है। तो ये अरिथ्रोज है ठीक है, इसमें एच देखें दोनों एक साइड पे हैं, यहां पे ये ओ एच दूसरी साइड पे चला गया और ये एच इस साइड पे आ गया और ये एच और एच उसी साइड पे रहेंगे, तो ये न्यू कायरल सेंटर आ गया ठीक है, ये सेम कायरल सेंटर आ गया। तो ये डी ग्लाइसल्डिहाइड आ गया ठीक है। इसका नाम जो है वो इसको थ्रियोज कह देते हैं जब इसका ये वाला चेंज हो जाए तो ठीक है, इसको हम कायरलिटी कहते हैं केमिस्ट्री की फॉर्म में। ये कायरलिटी का मैंने एक और एग्जांपल दिया गया, जैसे कि देखें आप एक एग्जांपल दे दें इट्स मोर देन एनफ, आप सिर्फ एक फिर सुन लें, आप एक एग्जांपल दे देंगे कायरलिटी की मुझे समझ आ जाए आपको कॉन्सेप्ट का पता है ये सारे स्ट्रक्चर, लेकिन आपको ग्लूकोज और अल्डोज का ये स्ट्रक्चर तो वैसे ही पता होगा। अब यहां पे देखें मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी एग्जांपल देने लगा हूं ठीक है। यहां पे देखें एच और ओ एच, यहां पे ओ एच इस तरफ आ गया ठीक है, तो ये डी एल और एल ये कायरल है, जाइलोज और लाइजोज ठीक है, और ये अल्टोज और अल्ट्रोज ये भी देखें कायरल है। यहां पे देखें एच सारे एक साइड पे है, यहां पे सिर्फ ये ओ एच इस साइड पे आ गया तो ये अल्ट्रोज हो गया ठीक है। और ग्लूकोज में देखें एच ओ एच 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 ये ग्लूकोज है, लेकिन अगर हम एच ये वाला भी अगर एच ओ उसके बाद एच और एच रहे तो ये मैनोज बन जाता है। आगे समझ, तो ये देखें ये सिर्फ और सिर्फ हम इनको कायरलिटी कहते हैं, कायरलिटी कहते हैं ठीक है, और सिर्फ इमेज की बेस पे, या सिर्फ और सिर्फ जो एक फंक्शनल ग्रुप है वो दूसरी साइड पे चला जाए तो वो पूरे पूरे के पूरे जो है उसकी ये डिफरेंट कायरल ग्रुप्स कायरल सेंटर्स हैं ठीक है, उनकी अल्टरेशन को चेंज किया जाए तो न्यू जो है आइसोमर जो है वो बन जाते हैं। अब देखें उनका केमिकल फार्मूला सेम ही रहता है, केमिकल फार्मूला सेम रहता है ठीक है, लेकिन उनका जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट चेंज हो जाती है। तो हैंडनेस इन द कार्बोडेट, कार्बोडेट आर कायरल मॉलिक्यूल्स सिंस दे हैव द कार्बन एटम कैरिंग फोर डिफरेंट ग्रुप्स ठीक है। तो ये देखिए फिर मैंने सिर्फ देखिए मैंने आपको दो चीजें अभी बताई हैं, मैंने आपको एक बताया है कि कार्बोनाइल कार्बन कौन सा होता है ठीक है, दूसरा आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि एल और जो है आर क्या होते हैं ठीक है। ये होता क्या है, जब हम लाइट पास की जाती है ना तो एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट कर देता है और दूसरा राइट साइड की रोटेट कर देता है ठीक है। इसकी बेस पे हम इनको एल या एल ये आर ये हैंडनेस इन द कार्बोहाइड्रेट, ये चीजें मैं आपको यहां पे दोबारा कंसेप्ट देने लगा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स आर द कायरल मॉलिक्यूल्स, अब आपको पता चल गया कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ठीक है। सिंस दे हैव द कार्बन एटम कैरियिंग फोर डिफरेंट ग्रुप्स, द सिंपलेस्ट थ्री कार्बन नेचुरली अकरिंग कार्बन कार्बोहाइड्रेट आर द ग्लाइसल्डिहाइड, लैक्स ए प्लेन ऑफ द सिमेट्री एंड एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ द एन एनटूमर्स, ए राइट हैंडेड डी फॉर्म ठीक है, जिसको हम कहते हैं डेक्सट्रो ठीक है, फ्रॉम लैटिन राइट साइड ठीक है, और दूसरा है आर लेफ्ट हैंडेड एल फॉर्म जिसको लेवरो कहते हैं और ये भी लैटिन वर्ड से आया हुआ है। अब यहां पे देखें ये ग्लाइसल्डिहाइड है ठीक है, राइट हैंडेड ठीक है, और ये देखें कार्बन वन टू और थ्री हो गया, यहां पे हाइड्रोजन जो है कार्बन नंबर टू पे लेफ्ट साइड पे मौजूद है ठीक है ठीक है, और वो ओ एच जो है वो राइट साइड पे मौजूद है। अगर ये यहां पे हम इसको कह रहे हैं ओ एच की बेस पे हम इसको कह रहे हैं कि ये राइट हैंडेड है, और अगर ये ओ एच लेफ्ट साइड पे आ जाए तो हम इसको एल कह देंगे ठीक है। ये आता किस पे है, ऐसे ही नहीं आ जाता, ये आता है इस बेस पे
कि आप अगर लाइट सोर्स हो, यहां पे लाइट सोर्स हो ठीक है, और ये अनपोलराइज लाइट हो, अनपोलराइज लाइट हो, ये अगर यहां से गुजरे ठीक है पोलराइज लाइट, तो अब ये देखें सीधा सैंपल, यहां पे सैंपल आपको पढ़ो, सैंपल ट्यूब विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन ठीक है। तो यहां पे आपका, आप ये समझें आपके पास ये लाइट थी अनपोलराइज थी, इसको आपने बिल्कुल स्टेट फॉर्म, इस लाइट को आपने कन्वर्ट कर दिया पोलराइज, ये पोलराइजर है। पोलराइजर का मतलब होता है लाइट को बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, बिल्कुल स्टेट फॉर्म में लाइट जा रही है। ये देखें, अब ये देखें लाइट बिल्कुल एक स्टेट फॉर्म में यहां से जा रही है आपके, यहां पे आपका मॉलिक्यूल पड़ा हुआ था, यहां पे मैं लेट्स सपोज ये आपका पड़ा हुआ ग्लूकोज पड़ा हुआ है ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है यहाँ पे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है यहाँ पे, आपने लाइट गुजारी, जब आपने लाइट इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में से गुजारी, ये लाइट को या तो राइट साइड पे रोटेट कर देगा या लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट कर देगा। अगर ये लाइट को राइट साइड पे रोटेट कर देता है तो हम उसको आर कह देते हैं, और अगर ये लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट कर देता है तो हम उसको एल कह देते हैं। सो ए सॉल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिविटी कायरल आइसोमर रोटेट्स द प्लेन ऑफ द पोलराइज लाइट बाय अ करेक्टरिस्टिक अमाउंट, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक अमाउंट से वो उसको चेंज कर देता है। सो ईच एन एंटोमर ऑफ अ पेयर रोटेट्स द प्लेन लाइट बाय द सेम अमाउंट बट द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन आर द अपोजिट। जो सेम आइसोमर होते हैं या जो कायरल वाले होते हैं ठीक है एन एंटोमर, वो पोलर लाइट को ऑलमोस्ट सेम उससे रोटेट कर देते हैं। देयर इज अ नो कोरिलेशन बिटवीन द डी एंड एल फॉर्म एंड डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ ए प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फॉर एन एन एंटोमर ठीक है। लेकिन जो एल वाला है वो लेफ्ट साइड पे लाइट को रोटेट कर देगा और आर वाला आर पे रोटेट कर देगा। इतना ही कॉन्सेप्ट आपके लिए यहाँ पे काफी है कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री के लिए। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में आपको मैंने बताया, एक तो बताया कि ये ने जो कार्बोनाइल कार्बन है ये क्या बला होती है, फिर आपको मैंने बताया कायरल सेंटर कौन से होते हैं, ये चार कायरल सेंटर हैं, एक दो तीन और चार हैं ये ग्लूकोज के अंदर ठीक है। और फिर आपको मैंने कायरलिटी को बता दिया, कायरलिटी में जो लाइट है कायरलिटी चार है और इसकी बेस पे लाइट रोटेट होती है और हम उनको एल कह देते हैं या आर कह देते हैं ठीक है, ये उस फॉर्म का है। आगे चलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ अ डी ग्लूकोज, ये जो स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं ना यहाँ पे, ये जो लिखने का तरीका है हम इसको फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है। यानी आपने स्ट्रेट चेन में कार्बन कार्बन को वो आप मिला के लिख दें तो दिस इज कॉल्ड द फिशर प्रोजेक्शन, और ये चेयर फॉर्म ऑफ अ डी ग्लूकोज, ये चेयर फॉर्म आपने, तो यहाँ पे देखें ये है चेयर फॉर्म ऑफ अ डी ग्लूकोज ठीक है। अब ये देखें ये है हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन कैसे होती है, अब ये देखें आप ऐसा करें कि आपने ना इस मॉलिक्यूल को पकड़ के, इस वाले मॉलिक्यूल को पकड़ के इसके करीब लेके आना है, अपने इसके करीब लेके आएंगे, इसके करीब लेके आएंगे तो ये कैसे बाइंड होगा, होगा ये जो है ये जो रेड ओ एच लिखा हुआ है ना रेड ओ एच, यहां से पहले कार्बन की वैलेंसी है फोर ठीक है, ये एक अटैच है, ये देखें एक दो, और यहां पे ऑक्सीजन के साथ उसका वैसे डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है ठीक है, तब उसकी चार वैलेंसी पूरी होती है ना। देखें यहां पे अगर हम कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ न लगाएं और यहां पे वैलेंसी पूरी हो जाती है, नहीं होती, जब हम यहां पे आपस में मिलाएंगे इनको तो इसको सी को इसके इसके करीब लेके आए ठीक है। तो यहां पे ये सी के साथ क्या लगा हुआ था, ये एक दो तीन चार और पांच नंबर के साथ ये मर्ज होगी, ये बता दूं आपको, ये जो छह नंबर है ये यहां पे है CH2OH, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा ये CH2OH, ये यहाँ पे ये वाला C जो है ये इसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ वैसे क्या अटैच था यहाँ पे COH अटैच था, ऐसी है यहाँ पे देखें C के साथ OH अटैच था ना, यहाँ पे OH अटैच था, तो ये H जो है ये H जो है ये बाहर निकल जाएगा और ये जो OH है ये भी बाहर निकल जाएगा और ये जो C है इस O के साथ बाइंडिंग कर लेगी, ये देखें अब बाइंडिंग होगी, तो यहां से भी एक इस तरफ से भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड है जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इस तरफ से भी ये उसके साथ बांड है और ये नया बन गया ये एच और ओ एच यहाँ पे आ गया, और यहां से जो हैवर प्रोजेक्शन है हैवर प्रोजेक्शन में ये ओ एच इस साइड पे आ गया एच इस साइड पे आ गया और यहाँ पे ये आपस में कंबाइंड हो गए और ये आ गई हैवर प्रोजेक्शन ऑफ डी ग्लूकोज।
तो हावर प्रोजेक्शन ऑफ अ डी ग्लूकोज में दिस इज द कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, 5 के साथ CH2OH मौजूद है, जैसे कि ये 5 नंबर थी इसके साथ CH2OH मौजूद था। तो दिस इज द हावर प्रोजेक्शन ऑफ अ डी ग्लूकोज। ईच HCHOH ग्रुप विद इन द चेन इज अ एसिमेट्रिकल, द हाईएस्ट नंबर एसिमेट्रिकल कार्बन एटम ऑफ ईच डी सीरीज शुगर हैज द सेम कॉन्फिगरेशन एज डी ग्लाइसलडिहाइड रादर देन इट्स एल आइसोमर। इन ग्लूकोज द हाईएस्ट नंबर एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज द कार्बन नंबर 5, जैसे आपके साथ मैंने ये बताया है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है इसके साथ वो आपस में। इन ग्लूकोज द हाईएस्ट नंबर कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज द कार्बन 5। दिस इज टर्म एज द रेफरेंस कार्बन एटम बिकॉज इट्स कॉन्फिगरेशन डिटरमिन्स वेदर द शुगर बिलोंग टू द डी सीरीज और द एल सीरीज, ये डिटरमिन करेगी। सो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू इट इज कॉल्ड द रेफरेंस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये अब ये देखें, अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पे अटैच होता, यहाँ किसके साथ जो अटैच है, तो वो और उसकी वो एल बन जाती या डी बन जाती, ठीक है। और अगर इस साइड पे, यानी अगर ये जो ओ एच है इस साइड पे होता तो और उसकी टाइप होती, और इस साइड पे है तो उसकी और टाइप है। तो बेसिकली ये जो कार्बन नंबर 5 है यही डिटरमिन कर रहा है कि आपकी जो शुगर है वो डी टाइप है या एल टाइप। सो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू इट इज कॉल्ड द रेफरेंस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिस ग्रुप इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड इन अ डी सीरीज। ये देखें डी सीरीज में ये हमेशा, जैसा कि यहाँ पे राइट साइड पे है, और एल में क्या होगा, ये लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। ये डी ग्लूकोज मालिकूल है, ये देखें डी ग्लूकोज मालिकूल है, यहाँ पे ओ एच राइट साइड पे है, ठीक है। तो हम इसको अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज कहेंगे, ठीक है। और अगर ये ओ एच, ये ओ एच दूसरी साइड पे आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये एल वाला बन जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं, मैं आपको ये भी देखें, ये भी बैकग्राउंड का बैकग्राउंड मटेरियल है कि आपको समझ बता दूं कि हेमिएस्टल कार्बन क्या होता है। हेमिएस्टल एक कंपाउंड विद बोथ एन अल्कोहल ग्रुप एंड एस्टर ग्रुप बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम इज कॉल्ड द हेमिएस्टल कार्बन एटम। हेमिएस्टल एक कंपाउंड विद बोथ एन अल्कोहल ग्रुप एंड एन ईथर ग्रुप, आर ओ आर जिसको हम कहते हैं। मैंने आपके साथ ये एक टेबल वो शेयर किया था, उसको आप रट लें, उसको आप समझ लें, उसको आप उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तभी आप इन सारी चीजें आपको समझ आएंगी। हेमिएस्टल्स कैन रिवर्सिबली फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड आर्किटोन विद एन अल्कोहल। सिंस द मोनोसैकेराइड हैव बोथ अल्कोहल ग्रुप एंड एल्डिहाइड आर्किटोन ग्रुप ऑन द सेम मॉलिक्यूल, इट कैन रिएक्ट विद इटसेल्फ एंड फॉर्म अ रिंग। ये अपने साथ ही रिएक्ट कर सकता है, फॉर्म और रिंग भी बना सकता है, जो आपको मैंने आगे आपको असाइनमेंट भी दी थी। तो कुछ टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपके साथ बता रहा था एनोमर क्या होता है, ठीक है, और एनोमर होते क्या है। अब ये देखिए, आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अगर आप अपनी बुक का चैप्टर खोलें कार्बोहाइड्रेट का, तो वहां पे देखिए तो आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पेज पढ़ाया है। इसलिए आप, मैं आपकी अपनी स्लाइड में जो ज्यादा चीजें दे रहा हूँ वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आपका जो मॉडल है वो आपकी बुक है, आप बुक में से उसको तैयार करें, मेरे इसको लेक्चर को समझने के लिए इस्तेमाल करें। जहां पे इसको भी आप कर लेंगे तो आपको सारी चीजें वैसे भी समझ आ जाएंगी, आप उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनमर क्या होते हैं, एनमर होते हैं साइक्लिक शुगर्स दैट डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स एट द हेमिएस्टल कार्बन, ठीक है। हेमिएस्टल कार्बन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनकी उसकी पोजीशन उनकी उनकी बेस पे वो डिफर कर रहे। द अल्फा एनमर has the C1 hydroxyl on the opposite side to the CH2OH. Alpha number वो होता है CH2OH जो ग्रुप लगा होता है उसकी opposite पे, ठीक है, जो alpha number has the C1 hydroxyl hydroxyl क्या होगा OH group on the opposite side to the CH2OH उसकी opposite side पे होगा। और बीटा एनोमर कौन सा होता है, हैज द C1 हाइड्रोक्सिल ऑन द सेम साइड टू द CH2OH ग्रुप। द अल्फा वर्सेस बीटा फॉर्म कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। सो सच अ वे व्हाई वी कांट डाइजेस्ट स्टार्च बट नॉट द सेलुलोज। देखें जो स्टार्च है वो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो सेलुलोज है उसको सिर्फ और सिर्फ एनिमल डाइजेस्ट कर सकते हैं। दोनों में जो फर्क है वो अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर का है, बीटा एनोमर का है। सो एनोमेरिक कार्बन एटम द हेमिएस्टल एटम इन साइक्लिक शुगर, ठीक है, कार्बन एटम्स। अब यहां पे देखें
ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसको आपने याद कोई नहीं कर रखना। मेन कॉन्फिगरेशन ऑफ द ग्लूकोज ये अल्फा डी है। यहाँ पे देखें ये कार्बन नंबर वन है, कार्बन नंबर वन। अगर ये सी एच टू ओ एच है, सी एच टू ओ एच है, इसके अपोजिट पे है ओ एच, अपोजिट पे, तो दिस इज कॉल्ड द अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। अगर ये ओ एच उसी साइड पे हो जाए तो हम इसको कहते हैं बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, ये जो ओ एच है ये अल्फा और बीटा को डिटरमिन कर रहा होता है। हम इसको कहते हैं ये कार्बन नंबर फाइव है, इसके ऊपर जो सी एच टू ओ एच है उसके अपोजिट अगर ओ एच होगा तो हम इसको अल्फा डी कह देंगे, अगर ऑन द सेम साइड होगा तो हम उसको बीटा कह देंगे। द मोस्ट कॉमन कॉन्फिगरेशन फॉर द ग्लूकोज आर द पायरानोज स्ट्रक्चर्स ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द हावर्थ कन्वेंशन। ये आपको मैं हावर्थ का पहले बता चुका हूँ। दीज आर द एनोमर्स एंड आर डेजिग्नेटेड एज अल्फा एंड बीटा। दे आर फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द फिफ्थ कार्बन रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एज द रिंग क्लोजेज अ न्यू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फॉर्म्ड ऑन द सी वन। दिस इज टर्म एज द एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, जब ये हाइड्रोक्सिल जब आप ये उसको क्लोज करते हैं, ये मैंने आपको ड्यूरिंग ब्रेक मैंने आपको 53 नंबर स्लाइड दी हुई थी और उसके ऊपर ये वाली डिटेल जो है ये वहां पे मैंने दी हुई थी। सो एज द रिंग क्लोजेज अ न्यू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फॉर्मड ऑन द सी वन। दिस इज टर्म्ड एज द एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड द कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच इज टर्म्ड एज द एनोमेरिक कार्बन एटम। फॉर ग्लूकोज एंड द अदर एल्डोजेज द एनोमेरिक कार्बन एटम ऑलवेज इज ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम। जब भी ग्लूकोज और अल्डोज की बात होगी तो एनोमेरिक कार्बन एटम जो है दैट इज द कार्बन एटम नंबर वन। फ्रक्टोज इज अ सिक्स कार्बन शुगर लाइक ग्लूकोज बट इट इज अ कीटोज शुगर नॉट एन अल्डोज। ठीक है, ये कीटोज है बिकॉज इट कंटेन्स ए कैटायन ग्रुप एंड नॉट एन एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसके ऊपर मैं कोई डिटेल नहीं बताता, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लाइक द अल्डोज शुगर देयर इज अ डी सीरीज एंड एन एल सीरीज ऑफ द कीटोज शुगर। अब मैं डी भी बता चुका हूँ और एल भी बता चुका हूँ, बट द डी फ्रक्टोज इज द ओनली कीटोज ऑफ द इम्पोर्टेंस इन द फूड्स। ऑल कीटोन शुगर कंटेन अ कीटोन ग्रुप नॉट एन एल्डिहाइड ग्रुप। इन फ्रक्टोज द कीटोन ग्रुप इज लोकेटेड ऑन द सेकेंड कार्बन ऑफ द चेन। ये देख लें, ये भी आपको मैंने, ये देखें यहाँ पे कीटोन ग्रुप जो है वो कहाँ पे अटैच है, सेकेंड कार्बन एटम पे। All ketone group, in fructose, the ketone group is located on the second carbon atom of the chain. The second carbon atom, therefore, is the anomeric carbon in the fructose. Fructose occur mainly in the end. Funerose are five-membered ring configuration also, as shown in the previous figure. मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ था, ये फ्रक्टोफिरा नोज है। यहाँ पे ये देखें, ये कार्बन नंबर वन होगी, ये कार्बन नंबर टू हो गई, यहाँ पे वो अटैच है। Both the ketone group of a ketose sugar and the aldehyde group of an aldose sugar may be called a carbonyl group. अब देखें ketone, both the ketone group of a ketose sugar and aldehyde group of an aldose sugar, ठीक है, इनको हम carbonyl group भी कहते हैं, ठीक है, और may be called a carbonyl group. Carbonyl group क्या होता है? A carbonyl group contain a carbon atom, double bonded atom to an oxygen atom. यानी वो वाला ग्रुप जिसमें कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ हो ऑक्सीजन के साथ, उसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कह देते हैं। हेंस एन एल्डिहाइड ग्रुप इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप विद बोथ ए हाइड्रोजन एटम एंड एन ऑक्सीजन एटम अटैच टू द कार्बन एटम। और कीटोन ग्रुप क्या होगा, कीटोन ग्रुप इज अ कार्बोनाइल ग्रुप बिकॉज इट कंटेन एन ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्डेड टू एन कार्बोनाइल कार्बन एटम लोकेटेड विद इन अ हाइड्रोकार्बन चेन। देखिए ये सारी चीजें, अब ये बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये मैंने डी ग्लूकोज का बता दिया, ये डी फ्रक्टोज का बता दिया। यहाँ पे देखें कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर वन पे मौजूद है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन नंबर टू भी मौजूद है, सी टू ओ, ये देखें सी ओ सी के साथ डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन ये है, तो ये डी फ्रक्टोज है, ये डी फ्रक्टोज कीटो एक्सोज है, ये अल्डो एक्सोज है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। और इसमें हावर्थ पोजीशन होती क्या है, द फ्लैट साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड द हावर्थ प्रोजेक्शन। द साइक्लिक फॉर्म डिफरेंट ओनली एट सी वन वेयर द ओ एच ग्रुप इज आइदर ऑन द अपोजिट साइड फ्रॉम अल्फा फ्रॉम द सी एच टू ओ, ये आपको मैं बता चुका हूँ, और ऑन द सेम साइड बीटा, अपोजिट होगा तो अल्फा होगा सी एच टू ओ एच के, और भी ये सारी चीजें मैं आपको मैं करा चुका हूँ। ये देखें
ये कार्बन नंबर फाइव पे कार्बन ये लगा वो मालकू सी एच टू ओ एच, इसके अपोजिट होगा ये अल्फा हो जाएगा, और ये आज जिस तरफ ये है ओ एच ऊपर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा ये। सो ड्राइंग द हावर्ड प्रोजेक्शन, इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है मैंने पिछली फिगर में इतना अच्छा नहीं बताया हुआ था, तो यहां पे देखें ले द फिशर प्रोजेक्शन, सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन करें, रोटेट द सी एच टू ओ एच ग्रुप इन अ वर्टिकल पोजिशन, दिस विल पुट द ओ एच ग्रुप ऑन द सी फाइव नियर द सी वन, कनेक्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम द ओ एच ग्रुप ऑन द सी फाइव टू सी वन, ये सारे स्टेप आपने पढ़ने हैं, प्लेस द हेमी एस्टल ओ एच ग्रुप ऑन द सी वन, कौन सी है ये फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन को ये देखें यहां पे ये सी फाइव है ठीक है सी फाइव, और ये सी एच टू ओ एच है सिक्स है, आप सी फाइव को इसके करीब लेके जाना है इसके करीब। अब यहां पे देखें हो गया क्या कि ये जो एच है इसको आप उठा के इस ऑक्सीजन के साथ मिला दें, ये मैंने सारा बताया हुआ है ठीक है, इस एच को उठा के इसके साथ में बना दें ये ओ एच बन जाएगा ठीक है, और ये जो ओ है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो मिल जाएगा, कोई चीज बाहर नहीं निकलेगी, कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा, ये एच और ओ ये जो इसके साथ लगे हुए हैं वन नंबर के साथ हो ये आपस में मिलके ये नया ओ एच बना देंगे। अगर ये जो ओ एच है ये डिटरमिन करेगा कि ये बीटा बनेगा या अल्फा बनेगा, अगर ये ओ एच निचली साइड पे आ जाए, ये ओ एच अगर निचली साइड पे लग जाए, ये देखें इसको आप देखें आप सिर्फ और सिर्फ इसको देखें, अगर ये ओ एच निचली साइड पे लग जाए तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज बन जाएगा, अगर ये ओ एच ऊपर वाली साइड पे बन जाए नंबर वन कार्बन आइटम की ऊपर वाली साइड पे बन जाए जिस साइड पे सी एच टू ओ एच है तो ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज बन जाएगा ये। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, फंक्शनल ग्रुप ये इनको हम रिड्यूसिंग चुको भी कहते हैं, इनके ब्राउनिंग रिएक्शन भी होते हैं, स्वीटनर एंड फ्लेवर में इनका रोल है, क्रिस्टलाइजेशन है, रिडक्टेंसी है, इन्वर्जन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, टेक्सचराइजिंग है, विस्कोसिटी है, जेलिंग है, इन सारे ये सारे के सारे फंक्शनल हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, मोनोसेक्राइड आपस में जिस बॉन्ड से मिलते हैं दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये देखें ये यहाँ पे दरमियान में जो ओ का ये बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड, और यहाँ पे जब दो ग्लूकोज आपस में मिलते हैं या दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो वाटर वाटर हमेशा वहां से रिलीज होता है, और ये जो वाटर रिलीज होता है दरमियान में जो वैलेंसी खाली होती हैं वहां पे, देयर फॉर इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई वेदर द लिंक इज एन अल्फा और बीटा, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि ये कौन सा है। ग्लाइसिडिक बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइसिडिक बॉन्ड इज फॉर्मड व्हेन द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ वन मोनोसेक्राइड रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल एंड वाटर इज एलिमिनेटेड, सो फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लाइसिडिक लिंक fixes the configuration of the monosaccharide containing the involved carbonyl group in either the alpha or the beta positions. Therefore, it is necessary to specify whether the link is an alpha or beta link. The position of the bond also must be specified. ये चीजों का concept मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ. For example, when two glucose molecules are joined to make maltose, the glycosidic link occur between the carbon number one atom of the first glucose molecule and carbon four of the second, and the configuration of the first glucose molecule is fixed in the position. और उसको हम कहते हैं alpha one four. ठीक है? ये आपको मैंने पिछले example में दिया हुआ है. The anomeric hydroxyl group that is not involved in the glycosidic bond, ठीक है? Remain free to assume either the alpha or the beta configuration. Therefore, there are two forms of the disaccharide in the equilibrium with each other. ठीक है? So glycosidic bonds are stable under the normal condition, but can be hydrolyzed by the acid. आप acid से acid hydrolysis करें control में थोड़ा सा light acid लेके HCl, तो आप इनके bond को break भी कर सकते हैं. Sugar reactions. Isomerization क्या होता है? Isomerization. Glucose का fructose में convert कर होना और या mannose में कन्वर्ट होना, ऑक्सीडेशन ठीक है, ऑक्सीजन का एंटर होना कार्ड, ये देखें आर सी एच ओ है इसमें एक ऑक्सीजन और एंटर हो गई ठीक है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होगा? शुगर का शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होना। एस्टर फॉर्मेशन क्या है? शुगर का ये ग्लाइकोसाइड वगैरह ठीक है उसमें, उसके अलावा ब्राउनिंग रिएक्शन में ठीक है, ये सारे के सारे ये शुगर के रिएक्शन है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द शुगर्स, शुगर की प्रॉपर्टी स्वीटनेस, एक तो आपको पता है कि शुगर की मेन प्रॉपर्टी है कार्बोहाइड्रेट में, मैं अगर हम फूड के लिहाज से देखें
ये फूड में शुगर का जो मेन यूज होता है दैट इज द स्वीट उसका स्वीटनर का है. द मोस्ट ऑब्वियस सेंसरी प्रॉपर्टी ऑफ द शुगर सच एज द ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड सक्रोज इज देयर स्वीटनेस विच वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक शुगर. लैक्टोज जो है वो लीस्ट स्वीट है. शुगर आर यूज एज स्वीटनर इन द कैंडीज एंड मैनी अदर फूड प्रोडक्ट्स. यह सारों को पता है. फिर है फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द सिरप्स. आप सुनते हैं, आप ये देखें आपके पास जो मुख्तलिफ किस्म के आते हैं कैंड फ्रूट्स आते हैं, कैंड फ्रूट जितने भी हैं उनके अंदर जो शुगर का सिरप होता है जिसके अंदर फ्रूट डिप होता है, तो वहां पे आपका जो शुगर का सिरप बनता है यानी फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द सिरप्स. उसके अलावा आपके पास जितने ये बेवरेजेस आते हैं उनमें भी शुगर का सॉल्यूशन होता है. ठीक है. शुगर्स आर द सॉल्युबल इन द वाटर एंड रेयरली फॉर्म द सिरप्स. If water evaporated, crystals are formed. अगर आप दोबारा उसको वो करना चाहें तो हीट करें तो वो पानी उड़ जाएगा नीचे, फिर आपके पास वो शुगर के क्रिस्टल आ जाते हैं. शुगर फॉर्म मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरचेंज. व्हेन शुगर इज प्लेस्ड इन वाटर द वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द शुगर मॉलिक्यूल्स. ये आपके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी मैं कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ. दस हाइड्रेटिंग देम एंड रिमूविंग देम फ्रॉम द शुगर क्रिस्टल. सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर. आप सॉल्युबिलिटी उसके साथ इंक्रीज हो जाती है. इफ ए हार्ट सैचुरेटेड सुक्रोज सॉल्यूशन इज कूल्ड विदाउट डिस्टरबेंस इट विल सुपर कूल एंड सुपर नेचुरेट सुपर ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन मोर सॉल्यूट देन कुड नॉर्मली बी डिसॉल्वड एट दैट टेंपरेचर. ये आपको सारों को आईडिया. और सुपर सैचुरेशन को ठंडा करें तो उस शुगर के क्रिस्टल भी बन जाते हैं. फिर है शुगर की ये कमाल है, जैसे अगर आपने वो वाला कोला जो जिसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर या डायबिटीज के लिए बना होता है उसको देखें और दूसरा कोला देखें, दोनों में आपको फर्क पता चल जाएगा. दूसरा, अगर आप किसी चीज को टोटल शुगर को रिप्लेस कर दें आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ तो उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी. थिकनेस कम होगी या विस्कोसिटी कम होगी तो आपका जो माउथ फील है एक प्रॉपर जो माउथ फील आता है वो भी नहीं आएगा. So if sugar is replaced by a non-nutritive or high intensity sweetener such as aspartame or saccharina, आप नाम सुना होगा, the consistency of the food will be watery and thin. तो वो पतला हो जाता है. इसको ओवरकम करने के लिए फिर वो इसके अंदर थिकनिंग एजेंट भी डाल देते हैं बार बार इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए. और ये माउथ फील प्रॉपर देने के लिए उसके अंदर हम मिमिक फूड डाल देते हैं. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मिमिक फूड का. मिमिक का मतलब क्या होता है, आपने आल पल्पी का जूस पिया होगा. आल पल्पी जूस में आपको आप ये समझते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल प्योर ऑरेंज डला हुआ है. ठीक है, उसके अंदर आपको थ्रेड से भी मिलते हैं. आप पीते हैं आपको लगता है मैं बिल्कुल ना सही माल्टे वाला जूस पी रहा है. एब्सोल्युटली इट्स रॉन्ग. उसमें होता क्या है, बेसिकली जो उन्होंने थ्रेड बनाए होते हैं ये उन्होंने आपके जो गम होती है ना कोई भी जो आप ये जो जेली जिससे बनाते हैं उसकी उन्होंने पतले पतले थ्रेड बनाए होते हैं. ठीक है, वो उन्होंने डाले होते हैं, उन्होंने मिमिक किया होता है आपको वो वाला माउथ फील देने के लिए जो. ठीक है, तो जो शुगर है ये आपको माउथ फील भी देती है. टू प्रिवेंट दिस एंड अदर सब्सटेंस हैज टू बी एडेड टू गिव द एक्सपेक्टेड बॉडी और माउथ फील टू द फूड. जैसे स्टार्चेज और गम जो है ये भी माउथ फील के लिए दिए जाते हैं. फर्मेंटेशन, आप में से अगर जो फीमेल्स हैं उन्होंने घर में वो ब्रेड बनाती हैं, अगर ब्रेड बनाती हैं, अगर यीस्ट वाली ब्रेड बनाती हैं तो आप उसके अंदर थोड़ी बहुत शुगर भी डालते हैं. ठीक है, तो थोड़ी बहुत शुगर डालते हैं उसका जो मेन पर्पज होता है दैट इज फॉर द फर्मेंटेशन. ठीक है, अगर हम शुगर नहीं डालेंगे तो फर्मेंटेशन यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन नहीं कर पाएगी. और अगर यीस्ट फर्मेंटेशन नहीं कर पाएगी जो और ब्रेड का जो वॉल्यूम रेज होता है वो वॉल्यूम रेज नहीं होगा. ठीक है, तो फर्मेंटेशन में शुगर इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. शुगर को यीस्ट और बैक्टीरिया यूटिलाइज करते हैं एज अ फूड और इसकी बेस पे वो आपका जो वॉल्यूम रेज होता है और फिर इसको शुगर से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ब्रेड का वॉल्यूम रेज होता है. अब जो ही आप बेक करते हैं तो ब्रेड का इतना सा आटा जो आप लेते हैं डो लेते हैं थोड़ी सी डो लेते हैं उसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है. आपके पास जितनी भी ब्रेड आती है उसके अंदर शुगर डली होती है और दैट शुगर एक्ट्स एज अ फूड फॉर द यीस्ट. ठीक है, और वो फर्मेंट करके टेस्ट भी देते हैं, अरोमा भी देते हैं और वो ब्रेड के वॉल्यूम को भी इंक्रीज करते हैं. सो शुगर आर रेडली डाइजेस्टेड एंड मेटाबोलाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी एंड सप्लाई एनर्जी. उसके अलावा दे आर आल्सो मेटाबोलाइज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. द यीस्ट फीड्स ऑन द शुगर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज द
which is the leavening agent and causes bread dough to rise before. And यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल मैंने दी हुई है कि ये डो है, ठीक है, इसका आपने इतना सा वॉल्यूम लिया है। उसके बाद आप देखें, क्योंकि इसके अंदर आपने यीस्ट भी डाली हुई थी और आपने शुगर भी डाली हुई थी, तो जो ही आपने उसके बाद इसको प्रॉपर वो किया है, आपने उसको कुछ देर के लिए छोड़ा है और यीस्ट ने अपनी ग्रोथ को एनहेंस किया है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इसने इसका वॉल्यूम रेज किया है और जब प्रॉपर बेकिंग हुई है, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो प्रॉपर। आप देखें दो तरीके से आप इस ये वाला काम कर सकते हैं। वैसे आप घर में आमतौर पे जो बेकिंग सोडा है वो भी आप डालते हैं, उसके अलावा जो शुगर है दैट कैन आल्सो एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। देखिए शुगर प्रिजर्वेटिव के तौर पे कैसे अटैक एक्ट करती है। अब ये देखें वहां पे जो आपने आपके पास जितने भी कैंड फ्रूट्स आते हैं, कैंड फ्रूट में जो शुगर सिरप्स होते हैं वो शुगर सिरप बेसिकली प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम कर रहे होते हैं। उनके अंदर आपने उन फ्रूट्स को वो किया होता है, डिप किया होता है। एट हायर कॉन्सेंट्रेशन शुगर प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिड्यूस द वाटर एक्टिविटी ऑफ फूड टू अ लेवल बिलो व्हिच बैक्टीरियल ग्रोथ कैन नॉट बी सपोर्टेड। ठीक है, उस एक आपको आइडिया होगा। इसके अलावा जो जैम और जेली है, ये देखिए जैम और जेली के अंदर भी जो मेन शुगर है वो उन्होंने डाली होती है और शुगर जो है वहां पे उसके ऊपर बैक्टीरिया और यीस्ट का अटैक हो नहीं होता। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती हैं? दैट कंटेन अ फ्री कार्बोनिलेट ग्रुप आर नोन एज अ रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर जिनके अंदर फ्री कार्बोनिलेट ग्रुप हो, और सारी मोनोसैकेराइड्स को रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। डाइसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर ओनली इफ दे कंटेन अ फ्री कार्बोनिलेट ग्रुप। हर सारी डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती। सक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर बोथ इन्वॉल्व्ड इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो रिड्यूसिंग शुगर में जो फ्री कार्बोनिल होगा वो ग्रुप होगा, तो तभी हम उनको रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर बोथ इन्वॉल्व्ड इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड देयरफॉर आर नॉट फ्री टू टेक पार्ट इन द अदर रिएक्शंस। देखें जब किसी कार्बन की दोनों वैलेंसी सारी सेटिस्फाइड हो, फिर वो किसी और रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। माल्टोज ऑन द अदर हैंड हैज only one carbonyl group involved in the glycosidic bond and the other carbonyl is a free, thus maltose is a reducing sugar. So yahan pe dekhiye ek concept aapko maine diya ki sirf aur sirf wahi sugar reducing sugar hogi jiska carbonyl group free ho aur wo dusre reaction mein participate kar le. Agar koi aisa disaccharide molecule ho jiska reducing sugar free ho to hum usko, jiska carbonyl group free ho to hum usko bhi reducing sugar kehte hain. ठीक है, तकरीबन ऑल मोनोसैकेराइड जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा जो माल्टोज है इसके अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप फ्री होता है, तो हम इसको भी रिड्यूसिंग शुगर कह देते हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स गिव ब्राउन कलर टू द बेक्ड गुड्स। अब देखें मकसद क्या है। देखिए आपको सारी चीजें बगैर मकसद के नहीं पढ़ाई जा रही। ये आप वो वाली ब्रेड लाइक करते हैं जिसका थोड़ा सा ब्राउन कलर हो, और ये जो ब्राउन कलर है ये इस वजह से आता है कि वहां पे रिड्यूसिंग शुगर्स हो, इसलिए हम इसके अंदर सक्रोज डालते हैं। जब वो ब्रेक डाउन होती है तो आगे वो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज बनती है और फिर वो ब्राउनी कलर में देती है, ये मेलड रिएक्शन। सो रिड्यूसिंग शुगर गिव ब्राउन कलर टू द बेक गुड व्हेन दे कंबाइन विद द फ्री अमीनो एसिड ग्रुप ऑफ द प्रोटीन इन अ ब्राउनिंग रिएक्शन कॉल्ड द मेलड रिएक्शन। ये जो मेलड रिएक्शन है, मेलड रिएक्शन होता क्या है कि रिड्यूसिंग शुगर प्रोटीन के साथ रिएक्ट करती है या फ्री अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करती है और वो ब्राउन कलर दे देती है। दिस इज कॉल्ड द मेलर रिएक्शन। ठीक है, सो द मेलर रिएक्शन इज अ फॉर्म ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। इट रिजल्ट्स फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन। अब ये मेलर रिएक्शन की मैं प्रॉपर डेफिनेशन दे रहा हूँ। इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन अमीनो एसिड एंड अ रिड्यूसिंग शुगर यूजली रिक्वायरिंग द हीट। हीट होगी तो तभी ये रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन होगा तो फिर उसके बाद वो ब्राउन कलर डेवलप हो जाता है प्रोडक्ट का। ये देखें ये जो ब्राउन कलर डेवलप हुआ हुआ है इस ब्रेड का या इस प्रोडक्ट का, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर ने रिएक्शन किया है किसके साथ, प्रोटीन के साथ, फ्री अमीनो एसिड के साथ ड्यूरिंग द, जब आपने हीट किया है तो ये वाला रिएक्शन, ये वाला कलर आ गया है। उसके अलावा होता है कैरमलाइजेशन। ये भी कैरमलाइजेशन, ये भी शुगर की प्रॉपर्टी है। अब आपने किसी ने ब्राउन हलवा बनाया है, अब शुगर को काफी देर हीट करते रहे ना ऑयल के अंदर, तो शुगर कैरमलाइज हो जाती है। शुगर कैरमलाइज ऑन हीटिंग गिविंग अ ब्राउन कलर। कैरमलाइजेशन जैसे आपने
कैरमल कलर जो कैंडीज हैं उनके अंदर कैरमल कलर होता है. सो कैरमलाइजेशन इज कॉज्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ द शुगर एंड अकर एट अ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर. इसमें किसी चीज के साथ रिएक्शन कोई नहीं होता. जब हम हाई टेम्परेचर पे शुगर को हीट करते रहते हैं, जैसे गांव में ब्राउन कलर का हलवा बनाते हैं, शुगर को घी के अंदर डिप करके काफी देर के लिए हीट करते हैं, वरायटी ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक एसिड एल्डिहाइड और कीटोन. ये सारे के सारे कैरमलाइजेशन के दौरान पैदा होते हैं. डायरेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोटीन एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज विद अ मेल्डर्ड ब्राउनिंग. ये आपसे मैं पूछूंगा कैरमलाइजेशन और उसके अगर डेफिनेशन, तो जिसको आपने ध्यान में रखना है ये वाला कैरमल कलर, ये कैरमलाइजेशन है. डाइसैकेराइड आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ. बॉन्ड बिटवीन द शुगर यूनिट्स आर टर्म्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स एंड द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल आर ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसाइड. ये जैसे सक्रोज है, ये डाइसैकेराइड है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ. ये अल्फा प्रेवलेंट इन शुगर केस एंड शुगर बीट इज कंपोज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज थ्रू एन अल्फा 1-2. ठीक है, ये वन है और ये एक और दो, दो दो के साथ ये अटैच है, तो ये अल्फा 1-2. लैक्टोज ये देखें बीटा 1-4, ये वन है ये फोर है, ये ऊपर से इस साइड की निचली वाली पे अटैच है. ये देखें इसका CH2O की अपोजिट साइड पे जाके अटैच हुआ है, इसलिए ये बीटा है. ये माल्टोज है, अल्फा 1-4 है, ये आपको देखें ये नीचे CH2O के अपोजिट साइड पे ये आपस में बॉन्डिंग हुई है. अब ये देखें अभी भी माल्टोज है, लैक्टोज है इसको, ठीक है, उसके अलावा सक्रोज है जो टेबल शुगर है, ये डाइसैकेराइड है, ये सारी की सारी आपको मैंने बता दी है. ओलिगोसैकेराइड क्या होती है? ओलिगोसैकेराइड कंटेन अ फ्यू मोनोसैकेराइड रेजिड्यू लिंक टूगेदर बाई ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये 8 से 3 से 10 मोर देन 2 को हम ओलिगोसैकेराइड कह देते हैं. जैसे स्टैच्यूज है, ये भी ओलिगोसैकेराइड है, स्टैच्यूज AACHYOS कंटेन ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड 2 गैलेक्टोज यूनिट बोथ अकर इन द लिग्यूम सच एज अ ड्राई बीन एंड पीज. मैं बता रहा हूँ ये मौजूद भी कहाँ पे है. दे आर नॉट हाइड्रोलाइज आर डाइजेस्टेड बाई द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बिकम फूड फॉर बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन. इनको हम प्रीबायोटिक भी कह देते हैं, इनको हम प्रीबायोटिक भी कह देते हैं. प्रीबायोटिक आर प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो फूड होती है उसको हम प्रीबायोटिक कह देते हैं. तो ये जो स्टैच्यूज है या जो ओलिगोसैकेराइड्स है इनको हम प्रीबायोटिक भी कह देते हैं. दे आर मोस्टली फूड फॉर द, क्योंकि इनको डाइजेस्ट नहीं करते, ह्यूमन डाइजेस्ट करता है और जिसको बैक्टीरिया डाइजेस्ट करके हमारे लिए अच्छी चीजें बनाते हैं. फिर है पॉलीसैकेराइड. Most of the carbohydrates found in the nature occur in the form of higher molecular weight polymers called the polysaccharide. ये ज्यादातर polysaccharides ही होते हैं maximum. अब ये देखें पहले monosaccharide हो गए, फिर disaccharide हो गए, फिर मैंने oligosaccharide का आपको बताया और सबसे आखिर में मैंने बताया आपको polysaccharide. जो polysaccharides हैं मुख्तलिफ किस्म के, more than जो 10 है वो मुख्तलिफ किस्म के monosaccharide अटैच हुई हैं तो हम उसको polysaccharide कह देते हैं. ठीक है, और यहाँ पे भी ये आपस में अटैच हैं, जो बॉन्ड होगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होगा. स्टार्च है उसकी एक एग्जांपल है, ये जो आप ब्रेड है उसके अंदर आप जो रोटी खाते हैं उसके अंदर जो मेन जो चीज है दैट इज द स्टार्च. उसके अलावा एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये वो स्टोर होते हैं. ठीक है, जैसे ये और स्टार्च का भी स्ट्रक्चर जो है वो ग्लाइकोजन के साथ वो मिलता जुलता है. दो किस्म के है, एक है अमाइलोज एक है अमाइलोपेक्टिन. सक्रोज जो है, वेयर डज सक्रोज कम फ्रॉम, ठीक है, गन्ने से आती है शुगर वहां पे. ठीक है, वर्ड शुगर किसको कहते हैं? इन वर्ड शुगर इज अ लिक्विड कार्बोहाइड्रेट स्वीटनर इन विच ऑल ऑफ द पोर्शन ऑफ द सक्रोज प्रेजेंट हैज बीन इन्वर्टेड. आप हीट करेंगे ना तो दोबारा जो है ना जो सक्रोज है वो कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज को, हम इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं. द सक्रोज मॉलिक्यूल इज स्प्लिट एंड कन्वर्ट इनटू एन इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज. देखें सक्रोज किसकी बनी हुई है, सक्रोज बनी है दो चीजों की. इन्वर्ट शुगर किसको कहते हैं? सक्रोज के साथ अगर आप कोई भी इन्वर्टेज एंजाइम लगाएं सक्रोज के साथ हो तो सक्रोज के साथ जो इन्वर्टेज एंजाइम है वो इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वो सक्रोज को, सक्रोज के साथ इन्वर्टेज एंजाइम लगाएं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द इन्वर्ट शुगर. ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर कॉल्ड द इन्वर्ट शुगर. दूसरे लफ्जों में डाइसैकेराइड को ब्रेक डाउन करके उनके जो ओरिजिनल मोनोसैकेराइड्स हैं उनमें कन्वर्ट कर देने को अमल को इन्वर्ट शुगर कहते हैं. ठीक है, ये स्टार्च है,
स्टार्च को हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोराइड आर द सब्सटेंसेस दैट विल फॉर्म अ जेल आर एट द विस्कोसिटी ऑन एडिशन ऑफ द वाटर। पानी डालें तो ये विस्कोसिटी को बढ़ा दे। स्टार्च इज मिक्सचर ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। द साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज हाइड्रोक्लोराइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द टेक्सचर एंड द फिजिकल फीचर ऑफ द फूड। ठीक है, ये अमाइलोज है। ठीक है, ये देखें सारे आपस में किस लिंक से लिखे हैं, ये अब आप सारी आपको समझ आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्फा अल्फा 1-4 लिंकेज है, ठीक है। और जो ये सारी जो सीधी चेन है इसको हम कहते हैं अमाइलोज, और इसका ये वाला नॉन रिड्यूसिंग एंड है और ये रिड्यूसिंग एंड है। और अगर इसकी जो चेन है जो दूसरी इस सीधी से आगे ऊपर निकलती है उसको अमाइलोपेक्टिन कहते हैं, और उसकी जो लिंकेज है दैट इज अल्फा 1-6। ठीक है, ये 1-6 अल्फा, और ये जो सीधी है इसको हम अल्फा 1-4 कहते हैं। तो दो किस्म हो गए, एक हो गया अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ये जो सीधी चेन वाले हैं इनको हम अमाइलोज कह देते हैं, और जिनकी ब्रांच चेंजेस हैं जो अल्फा 1-6 वाले हैं उनको हम अमाइलोपेक्टिन कह देते हैं। सो अमाइलोज क्या हुआ, लिनियर पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज हैज अल्फा 1-4 लिंकेज डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन, और 250 से 350 इसकी ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, जैसे मैंने ये आपको बता दिया। फिर है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन क्या हो गया, ये देखें ब्रांच है, इसमें अल्फा 1-4 और अल्फा 1-6 दोनों किस्म होती है। ये देखिए, ये अल्फा 1-4 है, ये ऊपर जो अटैच है ये अल्फा 1-6 पे अटैच है, ये अल्फा 1-4 पे ऊपर, यहाँ पे फिर कोई अल्फा 1-6 पे अटैच हो जाएगा। 1000 ग्लूकोज यूनिट इज कॉमन, ब्रांच पॉइंट्स एवरी आफ्टर 15 to 25। तो ये जो स्टार्च है इसके अंदर दोनों किस्म के होते हैं, एक अमाइलोज होता है और अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन मिलकर स्टार्च का ग्रेनुल बनाते हैं, और उसकी शक्ल कुछ इस किस्म की होती है। अमाइलोपेक्टिन को ब्लैक दिखाया गया और अमाइलोज को ब्लू दिखाया गया, अगर आप अपने कंप्यूटर पर खोल के देखें तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। डेक्सट्रिन क्या होती है, डेक्सट्रिन आर द इंटरमीडिएट चेन लेंथ ग्लूकोज पॉलीमर फॉर्मड व्हेन द स्टार्च इज ब्रोकन डाउन आर हाइड्रोलाइज्ड। अब स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं आपको मैंने पहले बताया, आप इसका थोड़ा सा लाइट सा एसिड लेके, ठीक है, जैसे लेमन हो गया उसी में अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए वो करें, वो हीट करें, तो वो ब्रेक डाउन होके स्मॉलर चेन में कन्वर्ट हो जाता है। जो स्मॉलर चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं वो स्वीटर भी होती हैं, और उनको हम डेक्सट्रिन कहते हैं। दे आर लार्जर देन द ऑलिगोसैकेराइड बट शॉर्टर देन द पॉलीसैकेराइड, तो उनको हम डेक्सट्रिन कह देते हैं। तो आपने नई चीज सुन ली, एक आपको मैंने बताया मोनोसैकेराइड, फिर मैंने आपको बताया डाइसैकेराइड, फिर मैंने आपको बताया ओलिगोसैकेराइड, फिर मैंने आपको बताया पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल बताई ग्लाइकोजन और स्टार्च, फिर स्टार्च को मैंने बताया अगर आप हाइड्रोलिसिस करें तो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल के फ्रैगमेंट बनते हैं उनको हम डेक्सट्रिन कह देते हैं। इनका जो साइज है ये 10 से बड़ा होता है, 10 कार्बन चेन से, तो इनको हम डेक्सट्रिन कह देते हैं, ये भी स्वीटर होती है। सो डेक्सट्रिन आल्सो आर इंटरमीडिएट चेन लेंथ ग्लूकोज पॉलीमर बट दे कंटेन 1-6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दे आर प्रोड्यूस बाई द सम बैक्टीरिया एंड द यीस्ट, उनसे भी आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये डेक्सट्रिन का है, ठीक है। उसके अलावा पेक्टिन एंड अदर पॉलीसैकेराइड, ये जो फ्रूट होते हैं ना, ये जो आप रोजाना फ्रूट खाते हैं उनके अंदर जो पॉलीसैकेराइड की किस्म होती है उसको हम पेक्टिन कहते हैं, ये सोल्युबल होती है। पेक्टिन आर यूजुअली मेनली एज अ जेलिंग एजेंट इन द जेलीज जैम एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये उनके दरमियान आप ये पेक्टिन डाल रहे होते हैं, और यस बेसिकली ये फ्रूट से आप निकालते हैं, और ये थिकनिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड एज स्टेबलाइजर एंड द थिकनर, इनको स्टेबलाइजर और थिकनर भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड दे हेल्प टू होल्ड द प्लांट सेल्स टुगेदर। स्ट्रक्चरली दे आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ डी ग्लेक्टुरोनिक एसिड, इसको ये इसका जो स्ट्रक्चर है ग्लेक्टुरोनिक एसिड है, विच इज एन एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द सिंपल शुगर ग्लेक्टोज, ये ग्लेक्टोज से ग्लेक्टुरोनिक एसिड बनता है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन दे फॉर्म द जेल्स। फिर उसके अलावा गम्स, गम्स आर मेनली प्लांट एक्सट्रैक्ट एंड इंक्लूड द गम ट्रैगेगंथ और ग्वार गम, ये ग्वार गम आपकी जितनी भी जो कॉस्मेटिक्स हैं फीमेल के लिए होती हैं उनके अंदर ये गम इस्तेमाल होती है। उसके अलावा आपके पास जितने जूसेज आते हैं उनके अंदर भी उन्होंने थिकनिंग एजेंट के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह ये डाली हुई होती है। आप समझते हैं मैं बड़ा प्योर जूस पी रहा हूँ, उसके अंदर उन्होंने गम डाल के उसको थिक किया होता है। सो दे आर हाईली ब्रांच पॉलीसैकेराइड्स दैट फॉर्म वेरी विस्कस सॉल्यूशन ट्रैपिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर विद इन देयर ब्रांचेस, मोस्ट डू नॉट फॉर्म द जेल्स बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ द ब्रांचिंग। ये आप ये जो सूप पीते रहते हैं इसमें सर्दियों में, उसमें भी अंदर आपको कोई ना कोई वो गम या वो चीज डाल के देते थे, आप समझते थे बहुत जो है ना वो थिक वो है। एंड यू दे आर यूजफुल एज अ थिकनर एंड स्टेबलाइजर पार्टिकुलरली इन द रिड्यूस फैट सैलड ड्रेसिंग एंड इन द अदर कन्वीनियंस फूड, ये वहां पर भी सारों में मिमिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सारी मुख्तलिफ किस्म की ग्वार गम, ठीक है, ग्वार ट्रैगेकेंथ, ये सारी ये मौजूद है मार्केट में।
उसके अलावा सी वेट पॉलीसेक्राइड्स हैं, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज, ये जो प्लांट की जो वुड है वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है, वो भी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये भी आपको पता हो। उसके अलावा जो डाइट्री फाइबर्स है उनमें भी, इनसॉल्युबल डाइट्री फाइबर में भी इस किस्म की चीजें मौजूद होती हैं, और आजकल इनसॉल्युबल डाइट्री फाइबर के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बहुत शुक्रिया।